अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। एंड आज के इस एनालिसिस वीडियो में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में, और हम देखेंगे कि अगले हफ्ते या अगले आने वाले कुछ महीनों के लिए हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है, प्लस निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ऐसे कौन से टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स हैं जो वीकली और डेली चार्ट्स पे अवेलेबल हैं, जिससे हम आगे आने वाले मूव्स के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा की तरह आई एम योर ट्रेडिंग गाइड, योर ट्रेडिंग मेंटर, योर ट्रेडिंग कोच कीर्ति अग्रवाल। सो गाइस, लेट्स बिगन द सेशन। या तो ये निफ्टी 50 का इंडेक्स चार्ट है, मतलब स्पॉट का चार्ट है, और ये हमने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। अब हम लोग हमेशा की तरह, क्योंकि आज 23 फरवरी है, वीक हमारा क्लोज हो गया है, तो वी विल गो विद द वीकली चार्ट फर्स्ट। यस गाइस, रिमेंबर। और यदि हम लास्ट वीक देखें तो लास्ट वीक की हमारी क्लोजिंग ग्रीन थी। इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट वीक लोगों ने बाज़ार में ख़रीदारी की है। और यदि आप उसके पहले हफ्ते की ये कैंडल देखें तो निफ्टी ने इस लो को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया और उसके बाद वापस ऊपर चल दी। दूसरी बात, अगर हम ओवरऑल मूव को देखें तो 2016 से ये जो रैली शुरू हुई थी या जो मार्केट में बुल फेज शुरू हुआ था, उसका एक टॉप यहाँ पे बना, एक करेक्शन आई और फिर एक नया हाई निफ्टी ने वीकली चार्ट्स पे लगाया, जो आप सभी जानते हैं निफ्टी का ऑल टाइम हाई है 11,760 रुपए का, और वहाँ से ये फॉल शुरू हुआ। ठीक है गाइस, अब ये जो फॉल है, यदि आप लोगों में से कुछ लोग टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को जानते होंगे तो वो ये जानते होंगे कि एक ये लेफ्ट शोल्डर, एक हेड और ये एक राइट शोल्डर जैसा इन्फॉर्मेशन है, मतलब अभी बन रहा है। ओके गाइस, लेट मी मार्क इट। तो दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, दिस इज द हेड टॉप और ये राइट शोल्डर है। और यदि आप देखेंगे तो ये जो हाई बना था निफ्टी स्पॉट में 11,170 का, और इस बार का जो हाई बना है 11,118 रुपए का, तो अभी भी निफ्टी ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, तो ऑलमोस्ट सेम शोल्डर्स बन रहे हैं। और यदि आप ये लाइन एक ड्रॉ करें यहाँ से यहाँ तक, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये क्लियर हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। लेट मी राइट इट फॉर ऑल ऑफ यू। यस, सो एक बात तो तय है, यदि हम प्राइस एक्शन को देखें कि एक ये जो टॉप बना था निफ्टी में, ठीक है, आप सभी बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये जो टॉप बना था 11,760 का, तो ये जो सेकेंड रैली आई है, या हम इसको कह सकते हैं जो पुल बैक रैली आई है, ये इस हाई को क्रॉस नहीं कर रही है और ये लेफ्ट शोल्डर की हाई को भी क्रॉस नहीं कर रही है। अ लिटिल हेयर एंड देयर इज एक्सेप्टेबल प्लस, पर एक डिसाइसिवली उसको ब्रेक नहीं कर रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये करेक्टिव रैली है या कहें पुल बैक है इस डाउनफॉल का, और ये वापस इधर जानी चाहिए। और यदि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कामयाब रहता है तो आप समझ सकते हैं कि निफ्टी कहाँ तक गिर सकती है, कहाँ तक गिर सकती है उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पहले अभी हम चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पे और वहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ओके गाइज, लेट्स गो देयर। तो ये हमारा निफ्टी का डेली चार्ट है, आप सभी देख सकते हैं डी लिखा हुआ है, और यदि आप इसको गौर से देखें तो ये एक बॉटम बनाया था, जो प्रीवियस स्विंग लो जिसको हम कहते हैं, फिर ये स्विंग हाई बनाया और ये नीचे यहाँ पे आई। और यदि आप ये लो देखें तो 10,583 रुपए का था, और इस बार का जो लो बनाई है 10,585 का, तो कहीं ना कहीं निफ्टी ने प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया और यहाँ से इस लेवल से बाउंस आया है।
दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो बाउंस आया है, ये गैप अप ओपनिंग आई है जिसको निफ्टी ने फिल नहीं किया, और ये 2 दिनों की रैली के बाद निफ्टी अभी फ्राइडे को स्मॉल रेंज में मूव की और ये इसने कंसोलिडेट किया। तो जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता है 10,580-585 का, तब तक निफ्टी वापस इस जोन में जा सकती है। यदि मैं इसको मार्क करूं तो ये जोन है जिसको हम कहेंगे सेल जोन है, यहाँ पे निफ्टी वापस जा सकती है 11,000, 11,040, 11,050 के आसपास, और फिर वहाँ से फॉल आ सकता है। तो एक बात तो तय है कि ओवरऑल मार्केट बुलिश नहीं है, पर यस, ये जो है अप डाउन, इसको हम कहते हैं चॉपिनेस है, एक ब्रॉड बेस्ड साइडवेज मार्केट है जो कि पिछले 4 महीनों से लगभग साइडवेज है, तो फॉल भी 1-1.5 महीने सस्टेन करेगी और लंबे समय तक एक शार्प फॉल आएगी मार्केट में जब भी आए। और अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में हम देखें तो निफ्टी वापस इस जोन में जा सकती है जहां से फिर से फॉल आना चाहिए। और यदि इस बार यदि निफ्टी ये 10,580-585 को ब्रेक करती है तो फिर हम लोग लोअर लेवल जो है इस पूरे रेंज का, यदि हम वीकली चार्ट्स पे पूरे रेंज देखें तो ये लो हमारी रेंज है 10,333 का, यहाँ तक वापस आना चाहिए। और इस बारी यदि ये पूरा कंसोलिडेशन ब्रेक करती है ना, और यहाँ से फॉल आना शुरू होता है, तो हो सकता है कि इस लो को भी निकाल दे निफ्टी, मतलब इसके नीचे चली जाए जहाँ से पहले बाउंस बैक आया था 10,004 के लेवल से, तो ये 10,000 को भी ब्रेक कर सकती है। तो करेक्शन तो आना है मार्केट में, पर फिलहाल जिस तरीके की क्लोजिंग दी है उस हिसाब से शॉर्ट टर्म में हमको बाइंग की पोजीशन लेके चलनी चाहिए। और एक बार फिर से 11,000-11,050 के लिए निफ्टी को प्ले करना चाहिए, फिर इन लेवल्स के अराउंड सेलिंग आना एक्सपेक्टेड है। ओके, एंड लेट्स क्विकली गो बैक टू द बैंक निफ्टी। सो दिस इज़ द वीकली चार्ट ऑफ द बैंक निफ्टी गाइज, और यदि हम देखें तो बैंक निफ्टी की वीकली कैंडल इतनी बुलिश नहीं है जितनी निफ्टी की है, क्योंकि बैंक निफ्टी में ऊपरी लेवल से थोड़ा दबाव ज़रूर आया है और ये अपने लोज के आसपास से इतना बाउंस नहीं कर पाई है। ठीक है, दूसरी बात, बैंक निफ्टी में भी हम देखें तो ये एक पूरी रैली आई थी सेम 2016, यदि आप टाइम जानना चाहते हैं तो फरवरी 2016 से ये पूरी रैली आई, उसके बाद एक टॉप बनाया, फिर एक हायर टॉप बनाया, और उसके बाद अभी ये इसी जोन में कंसोलिडेट कर रही है। तो यहाँ भी एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न हमको दिखाई पड़ रहा है, और क्योंकि आप देखिए निफ्टी में ज़्यादा बाउंस आ रहा है बैंक निफ्टी की तुलना में, तो एक बात तो तय है कि बैंक निफ्टी कमज़ोर है निफ्टी से। तो यदि ये पुल बैक रैली भी आती है तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी इस पुल बैक रैली में अंडर परफॉर्म करे और ये इतनी ऊपर नहीं जाए। चलिए हम डेली चार्ट्स पे देखते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं जब निफ्टी ने कल एक कंसोलिडेशन रेंज कैंडल दी तो भी यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल मिली है, तो आप समझ सकते हैं कि बैंक निफ्टी में अधिक वीकनेस है निफ्टी से, और हो सकता है ये इसी रेंज में थोड़ा कंसोलिडेट हो। ठीक है, तो यदि आप खरीदने के लिए शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली निफ्टी को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी से, और यदि आप ऊपरी लेवल से या इन लेवल्स की टेस्टिंग के बाद बिकवाली के लिए प्लान कर रहे हैं तो उस केस में आपको बैंक निफ्टी चूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक कमज़ोर इंडेक्स, कमज़ोर चीज़ जो है वो फॉल आने पर तेज़ी से गिरेगी स्ट्रॉन्ग चीज़ की तुलना में। ठीक है, तो इस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी की पोजीशंस हैं, और एक बारी ये रेंज ब्रेक होती है, एक हम ट्रेंड लाइन ज़रूर यहाँ पे ड्रॉ करना चाहेंगे, अगर एक बारी ये रेंज ब्रेक होती है बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी यहाँ से काफ़ी नीचे जाएगी, और इसमें भी वही सेम स्टोरी है,
कि इन लेवल्स पे 25,500 25,600 का लेवल वापस हमको देखने को मिल सकता है। तो यदि आप ये शॉर्ट टर्म रैली को प्ले करना चाह रहे हैं तो निफ्टी में बुलिश होने हो सकते हैं, और यदि आप बैंक निफ्टी में चाहते हैं तो हमारी सलाह ये है कि बैंक निफ्टी में वेट करें, क्योंकि ये कमज़ोर है तो इसमें अच्छे लेवल्स पे सेलिंग के लिए सोचना चाहिए। ओके, सो गाइज, आई होप दिस इज़ अ वेरी यूजफुल वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। एंड हम फायर्स का अकाउंट यूज़ करते हैं क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स ट्रेडर्स फायर्स में अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग की लिंक दी हुई है, प्लस हमारे कोर्सेज की लिंक दी हुई है। आप वहाँ पे जाके क्लिक करके निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक्स, जो भी आप सीखना चाहते हैं उसको ओपन कर सकते हैं, और हम एक बार आपको दिखाते हैं ये कैसा दिखता है। तो ये हमारा कोर्सेज पेज है, ट्रेनिंग से हमारी इंडेक्स मास्टर क्लास जो कि हमने स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेडिंग के लिए डिज़ाइन की है, और स्टॉक्स मास्टर क्लास जो यूनिकली डिज़ाइंड है सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स के लिए। तो आप जो भी कोर्स चाहें उसको ऑप्ट कर सकते हैं, उसके लिए एनरोल कर सकते हैं, और जैसे ही आप एनरोल करते हैं आपको इमीडिएट एक्सेस प्रोवाइड हो जाता है। तो गाइज, यदि आपको वीडियोस पसंद आई तो लाइक करें, और हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि लोगों तक सही एनालिसिस, सही फोरकास्ट पहुंच पाए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू ऑल सक्सेस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।